जिसके ऊपर हो मेर माँ तेरी, उसको सके न कोई मार, बाल न बाका होगा उसका जो आ जाए तेरे द्वार। ऐसी मगरूर औरत की कहानी है जो देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मंदिर की घंटियां और पूजा का प्रसाद उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर था। उसकी शादी एक ऐसे ठाकुर खानदान में हो गई जो दिन रात माता की पूजा किया करते थे। ठाकुर खानदान की रस्मों रिवाज के मुताबिक उसने मजबूरन नवरात्रों का व्रत रखा और खेतरी बोई, लेकिन हर सुबह खेतरी को जल से पवित्र करना और हर शाम ज्योत जलाकर उसकी पूजा करनी, उसने इन रस्मों को मानने से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों वो बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। उसके पति ने माता जी से मन्नत मांगी, हे माँ, अगर मेरे घर में लड़का पैदा होगा मैं अपनी बेटी और पत्नी को तेरे मंदिर में लेकर आऊँगा। मगर उस मगरूर औरत ने बेटा होने के बाद माता जी के मंदिर को ढोंग और पाखंड कहकर मंदिर जाने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में उस पर ऐसा विपत्तियों का पहाड़ गिरा कि उसकी कोख सुनी होगी। बच्चे की चिता अभी ठंडी नहीं हुई थी कि उसके पति पर लोग सिधार गए। दुखों की इंतहा होने पर भी उसने माता के मंदिर में जाकर क्षमा न मांगी। हठ और अहंकार में जलते जलते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर युग पलटा, फूल खिले और उसे दोबारा मानव जीवन मिला। वो फिर उसी ठाकुर खानदान की बहू बनकर आई। इस जन्म में उसने हठ और अहंकार तो छोड़ दिया, लेकिन पिछले जन्मों के पापों ने उसका पीछा ना छोड़ा। पिछले जन्म के पाप आज भी साय की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। माँ, तुम तो सब दुखियों के दुख दूर करती हो, हमारी भूल चूक भी माफ कर दो। माँ, हम औलाद के लिए तरस गए हैं, इस अंधेरे घर में रोशनी कर दे माँ। ठाकुर साहब, आइए आइए पंडित जी, आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए माता वैष्णो के दरबार जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, माता के दरबार से कोई भक्त निराश नहीं आता। माता तुम पर मेहर करेगी, आशीर्वाद आशीर्वाद। जगदम्बे माता तू
दुखियों पे तू मेल करती, खाली झोली को है भरती, मुर्दों में भी जान तू पाए, अंधों को दे अखियां जाए। जो आ जाए तेरे द्वार, कर देती हो बेड़ा पार।
रमेश, बाकी सबको खाना बांट दो। ठाकुर साहब, बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई है। माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठाकुरायन, देखा ठाकुरायन, मैंने कहा था ना, माता के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी बच्ची। दीवान जी, जी माता रानी ने हम पर दया की है। आज बहुत खुशी का दिन है, सारे महल में रोशनी कीजिए, पूरे गांव में मिठाइयां बांटिए, जाइए खुशियां मनाइए, खुशियां मनाइए। अच्छा जी। ठाकुरायन, 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 ठाकुरायन। दीवान जी, ठाकुरायन को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल पत्थर की हो गई। ठाकुरायन बोल, कुछ तो बोल। दीवान जी, ये बच्ची हमारे घर खुशी नहीं, तबाही बनकर आई है। बापू, गुस्से को काबू में कीजिए, मेरी बात मानिए, इस बच्ची को मेरे हवाले कर दीजिए। ये पाप आप मत कीजिए, मैं इसे पानी में बहा देता हूं, जो इसके कर्मों में होगा ये खुद भुगतेगी। ले जाइए इसे, मेरी नजरों से दूर ले जाइए। ठाकुरायन, ठाकुरायन, शेरों वाली माँ, मैं इस बच्ची को तेरे हवाले कर रहा हूं, इसकी रक्षा करना माँ, इसकी रक्षा करना। ये क्या हो गया माँ? ए गंगा मैया जय माता, दया करो कृपा करो माता, जय 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 गंगा मैया की जय, जय माता, जय माता, जय दया कर कृपा कर माता, जय कर। हैं, ये क्या बच्चा? हाँ, कितना प्यारा बच्चा है। ओ नारो बेटा, वाह 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 वाह, जय माता, जय माता, जय माता। माँ, तू तो भूलेओं को रास्ता दिखाने वाली है, मेरे पंडित को भी कुछ समझा, हर वक्त मेरे साथ झगड़ता रहता है, इसीलिए दिन ब दिन मैं तो सूखती ही जा रही हूँ। जब भी मैं कोई अकल की बात करती हूँ कि बस मुझे खाने को दौड़ पड़ता है। माँ, कोई ऐसा मंत्र मार कि मेरी हर बात मानने लग पड़े, बस। पंडितायन, ये ले। ये क्या है? कितनी प्यारी बच्ची है, मैं नहर में नहा रहा था तो ये बहती बहती मेरे पास आ गई, और मैं और तुम इसे उठाकर घर ले आए। पर मैं पूछती हूँ, ये घर है कि चंडू राम का यतीम खाना? पंडितायन, ऐसी बातें नहीं करते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हो सकता है कि इसके आने से हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाएं, ठीक है ना? ले ले, देख कितनी प्यारी बच्ची है। Mm-hmm.
मैंने कहा जी मैं जरा जमींदार के यहाँ होके आती हूँ। आज कोई नई बात है क्या? हाँ जी, उनके बेटे की आज सगाई होने वाली है। अरे बच्ची उठ गई, चुप करा दो। आए हाय, अच्छी भली सो रही थी, पता नहीं से सोते सोते क्या हो जाता है। तो भूख लगी होगी, दूध पिला दे। इसके सिर सुआ, जितना दूध था पिला दिया। मैं पूछती हूँ जिस नदी से इसे उठा कर लाए हो वहाँ कोई भूरी भैंस नहीं थी, उसे भी उठा कर ले आते? अरे तेरे होते भैंस। अरे चुप करो जी। हाँ सो जा। पंडितायन ऐसी वासी बातें नहीं करते, ये हमें माता ने दी है। ये हमें माता ने दी है, और वो जो हमारे पहले हैं वो कोई किराए पर लाए हो क्या? राम 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 राम। पंडितायन अरे कभी तो मुँह से अच्छी बात निकाला कर। हे भगवान, पहले तो ये कभी कभार भूले भटके प्यार की बात कर लेते थे, पर जब से इस बंदरी ने हमारे घर पांव रखा है तब से इनका और मेरा प्यार ही गुल हो गया है। मेरा बस चले तो जिस नदी से तुम इसे उठा कर लाए हो ना उसे वहां जाकर वहां ही आओ। पंडितायन तुम्हारी कृपा से आज मेरी बच्ची नमो पूरे 10 वर्ष की हो गई। माँ तुम्हारे आशीर्वाद से वो पंडितायन के जुल्म सहकर भी खुश रहती है। आज उसका जन्मदिन है, माँ उसे आशीर्वाद दो कि वो सदा सुखी रहे। माँ बाबू मैं आ गई। लो माँ बे जगदम्बे माता, सारे जग की तू माता, जो भी तेरे दर पे आए, जो भी तेरे दर पे मांगी मुरादे पाए, अम्बे जगदम्बे माता। Yeah.
कृपा करो मां। ठाकुर जी आइए। मुझ पर कृपा करो मां, मेरी भूल चूक माफ कर दो मां। ठाकुरायन को जल्दी मानस जीवन दे दो मां, जल्दी मानस जीवन दे दो। ये लो प्रसाद। बहुत प्यारी बच्ची है। ठाकुर साहब ये मेरी बच्ची है। अच्छा अच्छा जी, जीती रहो बेटी। ये लो पैसे, सुंदर सा सूट सिलवा लेना। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जय मां। पैसे तुम्हें दिए हैं क्यों? वो क्या तेरा बाप लगता है? अरे तेरा सत्यानाश, आंखें भर भर कर क्या देख रही है? सीखे जलाकर आंखों में दे दूंगी। जा काम कर, घर का काम कितना पड़ा हुआ है समझ नहीं आता इसे। चल जल्दी चल, बर्तन मांज और फिर बाद में बच्चों के कपड़े धो। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता, चल जल्दी। अरे चोर कहीं की नखरे करती है, आंसू क्या पोंछ रही है? कल मुई को जब भी कोई काम कहो तुम बस नखरे करने लग जाती है। निर्मला बेटी ये ले जलेबी खा ले, खा खा खा, बैठ 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 बैठ, शाबाश शाबाश, खा बेटी खा खा। दीदी ये क्या है? जलेबी, ये ले। मैंने तुझे काम करने को कहा था, एक जलेबी खाने को कहा था। उठा मटका और बाहर से पानी लेकर आ, जल्दी कर मुझे नहाना है। देखो तो सही। अरे जल्दी आना। खा बेटी खा, खा तू भी खा बेटी खा। पता नहीं कहां से ले आए पकड़ के। जय मां जय मां। अरे क्या हुआ? अरे मटका तो हमारा टूट गया है, फिर तू क्यों बकरी की तरह मैं कर रही है? मेरी टांग पे चोट लग गई। तेरी टांग पर चोट लग गई है? हाय हाय, देखो तो सही कहाँ चोट लगी है। अभी टूटी नहीं, अब मैं तोड़ू। उठ, 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 जल्दी उठ।
चल चल। अरे मैं पूछ रही हूँ, मटका तेरे बाप ने लेके दिया था क्या है? पकड़ मटका, उठा उठा और जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। जा दफा हो यहाँ से। अरे तेरा सत्यानाश हो तेरे सिर सुआ है, मेरे साथ होशियारी मार रही है, मैं तो कर दूं सीधी तीर की तरी। हाँ अरे सवेरे सवेरे किसके सर में सुआ डाल रही है? अपने सिर में डाल रही हूँ, और किसके सिर में डालूंगी? पंडितायन कभी तो अच्छी बात किया कर। अच्छा तो अब तुझे मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती? ये कलमुई जब से इस घर में आई है पता नहीं इसने क्या घोल कर पिला दिया है, हर वक्त तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं जा रही हूँ अपनी मैं के। अरे हाँ। बात तो सुनो, खबरदार जो पीछे से बुलाया, मैं नहीं आऊंगी यहाँ। गई? अच्छा तू यहाँ नहीं तो मैंने भी यहाँ रहकर क्या करना है, मैं भी हर द्वार जाता हूँ। सुनो बेटे मेरे, बात तू अपना ब्याह खूब धूमधाम से करना और संदूक में से सारे पैसे निकाल कर ऐश करना और हर द्वार जाकर किसी पंडे को मेरा नाम लेकर मेरा क्रियाकर्म करा देना और मेरे बाद अपनी विधवा माँ का ख्याल रखना। ऐसा ना कहो। फिर तो नहीं जाओगी? नहीं सच्ची? नहीं मेरी कसम। चल झूठी। तेरा सत्यानाश, ये दो बर्तन अंदर ही रखाइए, ये कौन मांजेगा? मैं आंखें खोलकर काम किया कर, नहीं तो ठिकाने लगा दूंगी। हाँ कलमुई कही थी इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल इसे अभी तक नहीं आई, कपड़े रखने का भी ढंग नहीं आया। देखो तो सही, निमो कहाँ है? पानी लेने गई है। घड़ा तो वहीं पड़ा है। घड़ा तो वहीं पड़ा है, अब वो बच्ची थोड़ी रहेगी जो वही छोटा घड़ा लेकर जाएगी, वो अब बड़ी हो गई है। घर आ गई। अरे अरे गिरेगी, अरे पकड़ 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 पकड़। अरे 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 चल उतार उतार उतार। तुझे किसने कहा था इतना बोझ उठाने के लिए हैं? अरे अरे तुझे तो बुखार है, चल 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 बेटा चल 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 लेट जा लेट जा। पंडितान पंडितान तू बेटी आराम कर, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अच्छा तेरा सत्यानाश क्या नाटक कर रही है, अभी तक जिंदा है ना? इसे बहुत दिनों से बुखार है और ये बुखार में भारी काम करती रही है। ये लो दो पुड़िया, इसे दो दो घंटे बाद पानी के साथ दे देना, थकावट उतर जाए। इसे भारी काम बिल्कुल नहीं करने देना। काम तो जी करती ही नहीं। पंडित जी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बुखार की दवाई देता। अच्छा जी। ये इसे खिला देना। ये इसे खिला देना। बेटी तू आराम कर, मैं दवाई लेके आता हूँ। अच्छा इस पुड़िया से थकान दूर हो जाएगी, ये मैं खुद ही खा लेती हूँ। इसके लिए ये राख ही ठीक रहेगी। किस लफड़े में पड़ गए, ऐसे चोर से यारी लगा बैठे। नहीं नहीं, वैसे चोरी करना तो बुरी चीज नहीं, मैं कहूँ चोरी करने से डर लगता है। रात को शराब तो ऐसे पीता है जैसे बाप का ठेका हो। रात पीकर बड़ाइयां मारा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। अब बहादुर तो मैं बहुत हूँ, पर जब पुलिस की मार पड़ती है ना तो थोड़ा पोजीशन में फर्क पड़ जाता है। ओ पोजीशन के बच्चे, तू तो सिर्फ शराब पिएगा। अच्छा चोरी तो मैं करूंगा ना, तू सिर्फ आने जाने वालों पर नजर रख। मैं अभी काम निपटा कर आता हूँ, समझा? ठीक है,
ठीक है। मेरी बच्ची को बचा ले माँ, मेरी बच्ची को बचा ले। अब देखती हूँ ये जहर पी के तू कैसे बचती है। दवाई पी ले, ले, पी ले, पी ले, पी ले, जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आराम से ले जा, तुझे अब उठने की जरूरत नहीं। Thank you.
रास्ते पे डट के खड़ा है यार, खड़ा रहना ही है ना, रास्ता छोड़ के खड़ा हो जा, हट जा और यारों को जाने दे, जाने दे यार, जाने दे, कमाले ये तो हटता ही नहीं। समझ गया है, लगता है तू यारों से भी ज्यादा पीकर आया, तो फिर तो तू अपना यार हुआ। चल फिर इकट्ठे ही पीते हैं, चल चलना यार, चल। ओहो, चल इधर चल। तुझे कितनी बार कहा ज्यादा ना पिया कर। मैंने ज्यादा पिए? ओहो, मुझसे ज्यादा तो उसने पिए। हाँ हाँ। तो रास्ते में खंबा बन के खड़ा हुआ है। पर मंगलू वो तो है ही खंबा। वो खंबा है? वो खंबा है? वो खंबा है? तो वो खंबा है तो फिर मैं कौन हूँ? तू इधर चुप करके लेट जा, मैं लाले की दुकान से तेरे लिए नींबू लेके आती हूँ। जल्दी आ। लाला, ओ लाला, पता नहीं कहाँ मर गया। हाय, ऐसे नहीं मरता। ओ प्रीति तू? लाला, मुझे जल्दी से एक नींबू दे, मंगल की तबीयत बहुत खराब है। हमारी कौन सी अच्छी है, नींबू जितने मर्जी ले जा, पर बात सुन, तू हवा की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। लाला, तू ज्यादा बातें ना कर, जल्दी से मुझे नींबू दे। टोकरी पड़ी है, जितने मर्जी ले जा, बेशक सारी दुकान ले जा, दुकान भी तेरी, नींबू भी तेरे और हम भी तेरे। ये ले। जाऊं, रहने दे पैसे, तेरे मेरे पैसे कोई दो हैं, तू आराम से आया कर और आराम से जाया कर, कभी हमारे पास रुक भी जाया कर। कौन है? लाला, तू प्रीति से क्या बातें कर रहा था? ओ लाला बोल। लाला, तू तू तो बिल्कुल बदल गया है लाला, मेरी तरह हो गया है। वाह लाला वाह, बड़ा शौकीन हो गया है लाला, क्या शान है लाला, क्या अदा है लाला, सदके जाऊं। आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना, आगे। अरे इधर आ, क्यों पी के पागल हुआ फिरता है? लाला तू, अगर ये लाला है तो फिर मैं किसके साथ बातें कर रहा था? तू तू चल चल। पर प्रीति, ये लाला चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, तू चल मैं बताती हूँ। जब भी प्यार में दो बातें करने का मौका मिलता है ना, ये राह में रोड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, सारी दुकानदारी हिलाकर रख दी। बेटी, दवाई खा ली थी? हाँ बापू, एक ही गोली रह गई है। अच्छा, ये गोली खा के फिर दूध पी लेना। बेटी, ठाकुर साहब तुझ पर बहुत खुश हैं, और कल उन्होंने मूर्ति पर हीरों का हाथ रहना है, और अब मंदिर का काम काज तुझे ही संभालना है, इसलिए तू आज का दिन आराम कर ले। हाँ, शाबाश शाबाश, हरिओम। सत्यानाश, ये क्या है दूध? अरे झूठा तो नहीं किया है? इतना गाढ़ा दूध पीकर तुझे कोल्हू पर जुटना है? जरा पतला तो कर लेती। एक दो, इतना ही बहुत। ले पी मर ले, ले। अरे देखते क्या है, ले पी ले, चल। बनकर पर
बर्तन पर बैठी हुई है। घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी रखे हैं। अरे तू उठती है या मैं तुझे उठाऊं? चलो एक तो सही, काम चोर कहेगी। जब भी कुछ काम करने के लिए कहो तो कोई ना कोई बहाना बना लेती है। उठती है कि नहीं? पता नहीं पंडित पर इसने क्या जादू किया हुआ है, दूध ही पिलाता रहता है। बेटी उठ, बेटी उठ। अरे देख, मैं तेरे लिए कुछ सेब लाया हूँ। सेब लाए हो? क्यों, मुझसे सेब खाए नहीं जाते क्या? अरे अपन मेरी बात तो सुनो। तेरी बात मैं बाद में सुनूंगी, पहले मैं सेब खा लूं। आप बताओ क्या है? वो कहाँ गई? वो गई जहन्नुम में। मैं तुझे बता दूं, तुमने जो उसे सर पर चढ़ा रखा है वो एक दिन ऐसा गुल खिलाएगी कि लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे और तुम माथे पर हाथ मार मार के रोओगे। पंडिताइन, शक्ल अच्छी नहीं पर बात तो अच्छी कर। आवे मंगल, आजा आजा। अरे कब से तेरी राह में आंखें बिछाए बैठा हूँ। जगन सेठ, फर्क तो कुछ खास नहीं है। तू मेरे इंतजार में आंखें बिछा के बैठा है और मैं तेरा हुक्म आंखें बंद करके मान लूंगा और काम कर दूंगा। क्या हुक्म है? सुना है रामपुर के मंदिर में आज रात ठाकुर देवी की मूर्ति पर हीरों का हार चढ़ाएगा। हाँ, और कल सुबह वो हार जगन सेठ का हो जाएगा। शाबाश, पी और जी। यस।
जय मां। तुम्हारी प्रेम भक्ति ने सबका मन मोह लिया है। मां तुम्हें सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे। आओ बेटी। पता नहीं ठाकुर जी। तुम्हें पता नहीं? माँ के मंदिर में ऐसा कभी नहीं हुआ। हार तो गुम हो गया है, कोई भूल चूक हो गई हो तो साफ साफ कह दे, ठाकुर जी माफ कर देंगे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे कुछ पता नहीं बापू, हार कहाँ गया? तुम्हें पता नहीं, इसे पता नहीं, किसी को पता नहीं। माता के मंदिर से जिसने हार चुराया है, मैं उस पापी की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। तुम में से किसकी नीयत खराब हुई है, बोलो बोलो। अब तो बोल कर मुही, क्यों सब लोगों के सामने हमारे सर में राब डाल रही है? मैंने हार नहीं चुराया माँ जी। मैंने हार नहीं चुराया माँ जी। माँ जी की बच्ची, हम 20 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। इस डायन को कल चाबियां मिली और हार हड़प कर गई। ठाकुर साहब ये चोर है, चोर। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। अगर तूने चोरी नहीं की है तो क्या हमने की है? ठाकुर जी, कोई भी चोर मार खाए बिना नहीं मानता। मुझे तो इस पर पहले ही शक था कि ये चोर है, चोर है, चोर है। पापन, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी नीच निकली। ठाकुर जी नहीं। जल्लाद, हमारा ये हुक्म है, इस नीच को 100 कोड़े लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ठाकुर जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की ठाकुर जी, मैंने हार नहीं चुराया। मैं सच कहती हूँ ठाकुर जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ ठाकुर जी, मैंने हार नहीं चुराया। चोर चोर
मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ। तू चोर नहीं है। तुम्हें पता है? हाँ हाँ, तू घबरा नहीं, मैं चोर की तलाश करूंगा। चल मेरे साथ। आजा 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 आजा। ये मेरा घर है, मैं दो चार दिनों में चोर की तलाश करता हूँ, उतने दिन तू यहीं रहे। तुम क्या यहाँ अकेले ही रहते हो? इस घर में क्या जोगन, इस सारी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे वो संभालने से पहले ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के परलोक सधार गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं जोगन, मेरा कोई नहीं। मैं इस दुनिया का ठुकराया हुआ एक यतीम हूं, इसलिए किसी यतीम का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तू इस घर को अपने ही घर समझ, यहां आराम कर, मैं तेरे खाने के वास्ते कुछ लेकर आता हूं। अरे वही लड़की हार वाली, अब तो लफड़ा पड़ेगा सालो। जोगन देख, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आया, ये खा ले और आराम से सो जा। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं बाहर सो जाता हूं। खा ले खा ले। ना भैया, ना भैया, अबे चल, बैठ जा बैठ जा। मुझे भैया डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है? डर मुझे ये लग रहा है, मुझे ये वही लड़की लगती है जिसका तू हार चुरा कर लाया है। तू आप भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मुझे लगता है तेरे दिमाग के तोते उड़ गए हैं। तोते तो तेरे उड़ गए। हे बापू, हार मैंने चुराया है, इस राज का मुझे पता है, उसे तो नहीं पता। समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। ऐसा कर, बोतल लेकर आ, बाकी सब बाद में समझा दूंगा। तुम सारी बात मुझे अभी समझा दो, मैं बोतल लेने गया आऊं नहीं आऊं। सुन फिर, मैं इस जोगन से नोट कमाऊंगा। वो कैसे? 5-6 दिन से विश्वास में लेकर। अच्छा। मैं इसे सेठ जगन के हवाले कर दूंगा। अच्छा, माल बढ़ गया है। हाँ। 5-6 हजार तो कहीं गए नहीं। ये तो बात ही छोड़ दो, उससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैं लाता हूँ बोतल। हाँ। लेकिन तुम पैसे तो निकालो। तेरा खाता नहीं चलता? अरे मेरा खाता कौन पूछता है, पैसे निकालो। निकाल तो मैं खुद ही लूंगा, इजाजत चाहिए बस। हाँ, मुफ्त की पीने की आदत है। अच्छा, बत्ती बोतलें आई पहले, उसमें से 9 निकल गई। ला भाई ठेकेदार, जल्दी से बोतल पकड़ा। बोतल पकड़ा क्यों भाई, पहले पिछले पैसे निकाल। अरे पिछले पैसे क्या, चाहे महीने का एडवांस पैसे ले ले। अच्छा हाँ। ये बात है, बाके तो ले, पकड़ बोतल, ए ये ले और निकाल पैसे। अरे पैसे देता हूँ, मैं कहीं भागा नहीं जाता, तेरे पास बैठा हूँ। अरे ससुरे सूखी पिए जा रहा है, थोड़ा सा पानी तो मिला ले। अरे ठेकेदार, पानी तो तूने पहले से ही मिलाया हुआ है। मैं तो ये टेस्ट कर रहा हूँ कि तूने पानी में शराब कितनी मिलाई है। और बात मेरे ध्यान से सुन ले, अगर आज तूने मेरे पैसे ना दिए ना, मैं तुझे वो मार मारूंगा, वो मार मारूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा, समझे? अरे तू हाक मारेगा, 15 बार तू पहले कह चुका है ताले सूखा पानी पिलाता है। वो तो तू शरीफ आदमी है, इस वास्ते तुझे मैं छोड़ देता हूँ। अगर कोई और होता ना, तुझे मैं अंदर करा देता हूँ, मैं कहूँ। ओ साले, पूरी बोतल पीकर तो खंबा हिल जाता है, मेरा तो कुछ बना ही नहीं साला। ओ मेरी स्कीम कामयाब हो लेने दे, जो मैंने ठेका और बोतल ना खरीद ली ना, तो मेरा नाम भी बाका नहीं, मैं कहूँ। तो कर लो बात। अरे टेस्ट करने के पैसे मांग रहा है, हम तो टेस्ट करने के पैसे लेते हैं, मैं कहूं।
साला कहाँ गया? टेस्ट करने के पैसे मांगता है। अरे मैं टेस्ट करने के पैसे लेता हूँ भाई, देता नहीं, ये तो बात ही कुछ नहीं। लेकिन मंगल की स्कीम का जवाब नहीं, मान गए। तारे नजर आने शुरू हो गए हैं, तारे, रंगीन रंगीन तारे। थोड़ी देर लगा दी है? वो तो यार तू बात ही छोड़ दे। मैं कहूँ क्या करता है यार तू? बोतल कहाँ है? बताता हूँ यार, मैं तो सारे रास्ते यही सोचता आया, अगर तेरे जैसा आदमी दो चार स्कीमें ऐसी और बना दे तो सरकार को तुझे स्पेशल एडवाइजर रखना पड़ेगा। तो सरकार के बच्चे बोतल कहाँ है? बोतल मैं देता हूँ यार, मुझे रोना आता है कि ऐसा काबिल आदमी यहाँ बैठा है। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं इसी बस्ती में सरकार बना दूँ। ये बात मुझे मालूम है कि तू कितना काबिल है, तुझे नहीं पता है मैं कहूँ। मुझे नहीं पता, मेरे नोट का कूड़ा कर दिया ना, चल सो जा। तुम ये बात ही छोड़ दो मैं कहूँ, ये बात मैं तुझे ठीक ही कह रहा हूँ मैं कहूँ। सो जा। मैं नहीं, मैं चल सो जा। क्या स्कीम बनाई है, कमाल ही कर दी। मैं तो कहता हूँ तूने स्कीम की कमाल ही कर दी है। सुना है कि नहीं सुना है? भाई तेरी स्कीम को मैं मान गया भाई, मैं तो कहता हूँ तेरी स्कीम बहुत छोड़ दे। ऐसी दो चार स्कीमें और बना ले तो मैं सरकार से तेरी सिफारिश कर दूंगा, तो सरकार तुझे फौरन नौकरी दे देगी, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार काबिल आदमी ढूंढती फिरती है, तो काबिल आदमी मेरे पास सोया पड़ा है। मैं भाई तेरी टांगे दबाता हूँ, टांगे मेरे ऊपर ही रख दी क्या? अच्छा अच्छा सो जा। पर भाई मान गया तेरी स्कीम को, मैं कहूँ मान गया तेरी स्कीम को। पंडित जी, बच्ची का कुछ पता चला? नहीं ठाकुर जी। उसका पता करो, अगर वो मिल जाए तो मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर लूं। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। जोगन, ओ जोगन। क्या बात है? जोगन, मैं तेरे वास्ते माता की मूर्ति लेके आया हूँ, तुझे पूजा के लिए चाहिए थी ना? हाँ। ये ले पूजा कर, मैं दो तीन दिनों में चोर की तलाश करता हूँ। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। बड़ी अपरंपार है। मुझे मिल गया था जन प्यारा, मुझे मिल गया था
वाह मंगल वाह, भाई मान गए, माल वाकई बढ़िया है। जगन सेठ, इस बढ़िया माल को फंसाने के वास्ते मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, कीमत तो बताओ। कीमत काहे की जगन सेठ, तुझसे तो अपन सिर्फ मेहनत ही ले लेंगे, बस 5,000 रुपए। ठीक है, आगाज पेशगी और आधा माल मिलने के बाद। ठीक है, ठीक है, ये ले 2,500, माल को बुलाओ। Cheers. क्या बात है? मंगल का एक्सीडेंट हो गया, तुझे जल्दी बुलाया है। मंगल का एक्सीडेंट? हाँ। नहीं, कहाँ? हाँ चल। मंगल, मंगल, क्या हुआ तुम्हें मंगल? मंगल, तुम कौन हो? मंगल कहाँ है? वो तो तुझे भेज गया है। पूरे 5,000 दिए हैं। मुझे भेज गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। धोखा नहीं कर सकता? अरे उसका तो पेशा ही धोखा देना है। पता नहीं तू जैसी कितनियों को बेच के खा चुका है। पैसे जो दिए तुझे। मंगल की आंखें खुल गई हैं जगन सेठ, अगर तूने जोगन को हाथ लगाया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये पकड़ अपने पैसे। मंगल, अब बोल बच्चे। भलाई इसी में है जगन सेठ, अपने कुत्तों से कह दो कि रास्ता छोड़ दे। जाने दो, इस वक्त इसका पारा चढ़ा हुआ है।
मैं भी देखता हूं कितने दिन मेरे बगैर रह सकता है। चुगन, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तेरे साथ बहुत धोखा किया है। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तेरे आगे आंख उठाकर भी देख सकूं। मुझे माफ कर दे। तेरा सत्यानाश, जब से ये चुड़ैल इस घर से गई है पता नहीं क्या जादू कर गई है, हमारे घर में दुख ही दुख आते जा रहे हैं। हाँ, आए, आए, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरी आंखों को क्या हो गया, हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पंडित जी, ये क्या जुगन, तू जा रही है? हाँ। कहाँ? जहाँ वैष्णो माता को मंजूर हो। मुझे माफ नहीं कर सकती। एक शैतान को इंसान बना के फिर शैतान बनने के लिए छोड़कर जा रही है। जुगन, मैं तुझसे वादा करता हूं आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। हाँ। जिस इंसान पर एक बार भरोसा टूट जाए उस पर दोबारा भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। सबसे बड़ा जहर ये शराब है जिसके नशे में मैं हमेशा बुरे काम करता रहा, बुरा सोचता रहा, पर आज के बाद मैं इस जहर को अपने घर में नहीं लेने दूंगा। मम्मी, मुझे माफ कर दे जोगन, मुझे माफ कर दे। तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी जोगन। तेरा साथ पाने के लिए तेरी एक शर्त तो क्या, मैं हजार शर्तें मानने को तैयार हूं। बोल। तुझे मेरे साथ माता के दरबार चलकर सौगंध खानी होगी। माता का दरबार? मैया का दरबार देखिया,
निराला मैया का, जग से निराला मैया का दरबार देते आ, जग से निराला मैया का दरबार देते आ, मेरे दर पे आके खुशियों खुशियों, मेरे दर पे आके खुशियों का भंडार देते आ, जग से निराला मैया का दरबार देते आ। तेरा माता खुशियाँ लुटाई जाता जाता, खुशियाँ लुटाई जाता, अमृत दे प्याले भर के जग को पिलाई जाता जाता, जग को पिलाए जाता, पापी होए जदानी ओ, पापी होए जदानी दर पे जो तेरे आता भैया, किसी को दर से ना होता, किसी को दर से होता, किसी को दर से ना इनकार देखिया, जग से निराला मैया का दरबार देखिया, जग से निराला मैया का। तेरी मेरी जिंदगी को
डुबो दे चाहे ताज दुनिया पे दांत तेरा मैं उपकार देखिया दुनिया पे दांत तेरा मैं उपकार देखिया दरबार देखिया जग से निराला मैया का दरबार देखिया जग से निराला मैया का मर गया क्या हुआ क्यों आप रहा है कम पिया कर किस गधे ने पी है तीन दिन हो गए छोड़े हुए हाँ तो फिर काम कर ये ले पनारे भैया मुझसे नहीं ये काम होता तुझे तो उस जोगन ने अच्छा खेती बाड़ी पे लगा दिया है मैं नहीं ये काम कर सकता मैं कहूँ मेरा तो सिर घिस गया पांके इस वक्त मुझे तेरी जरूरत है मेरे काम में हाथ बटा यार को छोड़ के ना जा अरे भैया मैं छोड़कर नहीं जाता मैं तो खड़ा हूँ मगर बात ये है तुम तो खेती बाड़ी की कमाई से रोटी खाने लग पड़े और मैं ठगी छोरी की कमाई से पराठे खाता हूँ क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है ना ठीक है अगर तू मेरे साथ काम नहीं कर सकता तेरी मर्जी तू जा सकता है हाँ एक बात है कि तू अपने खरबूजे बीज ले जब पक जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा कंधे मेरे दुखने लग गए गर्दन मेरी दुखने लग गई बाहें मेरी दुखने लग गई ओ भाई मैं क्या करूं मैं मुफ्त की खाना सीख गया हूं ना इसलिए मुझसे काम होता ही नहीं तू यारी में फर्क मत समझना वो पक्की है तू जल्दी अपने खरबूजे पका ले मैं आता हूं लगता है आज बहुत थक गया है नहीं जोगन मेरा यार मेरा साथ छोड़ गया इसमें घबराने की क्या बात है जब इंसान सच्चाई की राह पर चलने लगता है कई यार उसका साथ छोड़ जाते हैं पर जोगन मैं अकेला इन बंजर खेतों को किस तरह आबाद करूंगा अब तू अकेला नहीं मंगल मैं भी तेरे साथ हूँ इन खेतों को सींच कर हम दोनों मिलकर तीन रात एक कर देंगे लेखा बनाने वाले ने भी क्या चीज बना दी है जवाब नहीं शराब लोग पता नहीं शराब पीकर गलियों में कैसे गिरते फिरते हैं भाई अगर तुम शराब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो पीते ही क्यों हो लो अब मेरी तरफ ही देख लो किसी को पता चलता है कि मैंने पी है पर पता भी कैसे चले मेरा शराब पे कंट्रोल है पूरा कंट्रोल है भाई ऐसी वैसी बात थोड़ी है अरे शराबी गिरा दिया पता चला नहीं पता चला पता चला लेकिन मेरे ऊपर से तो उठो मैं तुझे पकड़े बैठा हूँ तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाता हूँ मेरी पी का तो अच्छे अच्छों को पता नहीं चलता ये तो कोई बात ही नहीं मैं कहूँ और क्या हाल है मैं तुम्हारे घर जा रहा था बच्चों का क्या हाल है अगर नहीं पढ़ते तो मुझे बताना मैं सालों को करूंगा ठीक अब मुझे थोड़ा सा काम है अच्छा मैं चलता लो अब चाची मिली थी लगा पता कि मैंने पी हुई है पर पता चले भी तो कैसे जब मुझे पूरा कंट्रोल है Thank you.
बड़ी अपरंपार है। तू अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देती, फिर भी कई भक्त तेरे दिए हुए दुखों और सुखों के फर्क की पहचान नहीं कर सकते। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। जीवत ले लो। मेरे हाथ गंदे हैं, जरा साफ कर लूं। सच्ची मेहनत करने वालों के हाथ कभी गंदे नहीं होते। क्या बात है भाई, फसल तो तूने कमाल की है यार, क्या मेहनत की है भाई। ओ बाले, हाँ। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। बोल। जरा बात सुनेगा यार, इधर आएगा। आजा। योगन, तू घर चल, मैं भी आता हूँ। अच्छा। हाँ। मंगलू, योगन सेठ ने बुलाया है, एक जरूरी काम है। तुझे तो पता है मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मंगलू, यहाँ तू सारी जिंदगी इतनी कमाई नहीं कर सकता, वहां पर एक ही रात में तू भी लखपति बन जाएगा और मैं भी लखपति बन जाऊंगा। काम भी बहुत बड़ा है। वाले, जाके कह दे जगन सेठ से मंगल अब मेहनत मजदूरी और खड़ी कमाई की रोटी खानी सीख गया है, मुझे उस बाप की रोटी की कोई ख्वाहिश नहीं। जरूरत नहीं, आज उसे अपनी मेहनत की कमाई पर इतना अभिमान हो गया है। ठीक है, हम भी उसका अभिमान तोड़ना जानते हैं प्यारे जी। उसकी फसलों को मैंने खाना लगा दिया है, आओ खा लो। वो आदमी कौन था? जगन सेठ आदमी था। मंगल, तेरी फसलों को आग लगी। बीमारी है, अगर इसका ऑपरेशन 15 दिन के अंदर अंदर ना हुआ, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के वास्ते कितना खर्चा चाहिए? कम से कम 5,000। 5,000? क्या कहा डॉक्टर ने? वो कहता है तू बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, तू आराम कर, मैं दवा लेकर आता हूँ। क्या बात है मंगल, आज तो नजरें भी नहीं ऊपर उठती। अरे पगले, जब से वो जोगन आई है तू मेरी तरफ देखता भी नहीं, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? प्रीतो, आज मुझसे कुछ ना कह, मैं बहुत परेशान। आए सबके जाऊं, क्यों खुशियां छोड़कर परेशानियों की तरफ भाग रही है? ये ले, पकड़ खुशियों के जलवे। लाला, लगता है तू मुझसे भी ज्यादा परेशान है।
ये नोट जहां से निकाले है ना मोड़ के वहीं घुसेड़। हाय सदके जाऊं तू उसे तो अंदर कर मैं तो अंदर रख ही लूंगा। हाँ हाँ ठीक है खरीद लो उसे। हाँ खरीद लो। हाँ चिकन सेठ। ओ मंगल। हाँ बोल भाई क्या बात है। हाँ बैठ। जगन सेठ आज मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ बोल तेरे लिए जाना दे रहा है। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। देखो मंगल लेना देना बिजनेस है। तुम 5,000 रुपयों की कोई चीज रख जाओ और 5,000 ले जाओ। जब रुपया वापस करोगे अपनी चीज भी वापस ले जाना। वो तो ठीक है पर मेरे पास 5,000 रुपए की ऐसी कोई चीज नहीं जो रहन रख सकूं। चीज तो तेरे पास है जोगन। चल सेठ। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से उसका नाम लिया तो। वाह वाह मेरे मिट्टी के शेर। अगर मेरी जबान पर उसका नाम सुनते तुम्हें इतना गुस्सा आता है तो जा कहीं और जाके भीख मांग। यहां आने की जरूरत नहीं। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे सुबह सुबह ये मनोज कहां से आ गया। ये तो इधर ही आ रहा है। मर गए भगवान। हनुमान जय बजरंग बली बचा लो मुझे इस बला से बचा लो। लाला मैं बड़े जरूरी काम के वास्ते तेरे पास आया हूँ। अरे पर चाकू लाने की क्या जरूरत थी। लाला मैं चाकू लेकर नहीं आया। हाथ जोड़ के तेरे सामने विनती करने के लिए आया हूँ। लाला आज मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाथ जोड़ कर मत रख खोल कर रख। हाँ चाकू नहीं है। अब बोल। लाला अपनी जमीन गिरवी रखने आया हूँ। मुझे पैसे की जरूरत है। कहाँ है जमीन। ओ सच कागज कागज। अच्छा ये है। तुम आदमी बहुत शरीफ हो इसलिए मैं तुम्हारा काम करने लगा हूं। नहीं तो मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता। ये ले इस पर अंगूठा लगा दे। हाँ? इस पर कुछ लिख तो दे। इसी कागज पर तो लिखना है। घबराने की क्या बात है। तो अंगूठा लगा। शाबाश। ले भाई पूरे 3,000 हैं। पर लाला मुझे तो 5,000 की जरूरत है। पर 1,000 तुम पहले ले गए। 3,000 ये हो गए 4,000। जितने बनते थे मैंने तुझे दे दिए। और मेरे पास नहीं है होते तो दे देता। लाला किसी तरह भी करते मैं तेरी मेहनत करता हूँ। हाय मर जाऊं। तेरे से पैसे अच्छे हैं। अगर मेरे पास होते तो तुझे दे देता। अब कोई और घर ढूंढ जाकर। हाँ मंगलू आज इतने दिनों बाद ये जहर फिर पीने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या बात है प्रीति। मेरे इन दुखों को मुझ तक ही रहने दे। क्यों अपनी खुशियों को मेरे दुख की आग में झोंकती है। आग लगे उन खुशियों को जो किसी की मदद भी न कर सके। बोल क्या बात है। तुझे मेरी सौगंध। नहीं प्रीति तुझे जोगन की सौगंध। प्रीति जोगन के इलाज के वास्ते मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है पर मेरे पास सिर्फ 3,000 है। बस बाकी के 2,000 का इंतजाम मैं करती हूं। लाला सोडा लेना। सोडा चाहिए। हाँ ये ले। लो पैसे। ओ जा ले जा पैसे नहीं चाहिए। भाई सर के जाऊं। लगता है पता क्या लगता है आज तू बड़े आराम से आई है। आज तो जाऊंगी भी आराम से। सब के जाऊं। लाला आज मैं बड़े जरूरी काम से आई हूँ। दुनिया में काम ही तो एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को दुश्मन के साथ और सज्जन को सज्जन के साथ मिलाती है। बोल
मुझे 2000 रुपये चाहिए। 2000? लाला आज मुझे पैसे जरूर चाहिए। पैसे क्या चीज होते हैं, कहे तो सारी दुकान तेरे नाम लिख दूं, कद्दू समेत। आजा 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 अंदर आजा आजा पसंद करता हूं। आजा आजा ले पैसे। पर जाती कहां है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में हमारा कल्याण हो जाएगा। कमीने, कुत्ते, मैं तेरे कल्याण करता हूँ। बचाओ, मंगल, मंगल, इसको छोड़ दे मंगल, मैं इसके पास अपने आप आई हूँ, मैंने इससे तेरे लिए पैसे लिए हैं। प्रीति, तू इतना गिर जाएगी, ये मुझे पता नहीं था। अगर पैसा कमाने के वास्ते अपने आप को बेचना ही पड़ता है तो फिर तू नहीं बिकेगी। मुझे अपने आप को बेचना आता है और मैं खुद बिक जाऊंगा। मंगल मुझे पता था मेरा मंगल एक ना एक दिन जरूर आएगा। जगन सेठ, तूने वाकई सही सोचा है कि मंगल एक दिन यहां आएगा, पर तूने ये नहीं सोचा कि मंगल किस रूप में आएगा। मुझे पैसे चाहिए। अरे मंगल, तू वाकई बहुत भोला है यार। अरे उस दिन की बात का इतना गुस्सा खा गए अगले, मैं तो मजाक कर रहा था। पैसा क्या चीज है, तुझ पे जान मार दूं? क्या ले ले जितना चाहिए, वो देख तिजोरी खुली है। बच्चे, हमारी बिल्ली और हम से ही म्याऊ हैं। आज तुझे छोड़ देता हूं, जान प्यारी है तो निकल जाए यहां से, और दोबारा कभी इस दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, समझे? चल दफा यहां से।
मंगल, ये क्या हो गया? मंगल, ये सब कैसे हुआ? मंगल, कुछ नहीं जो तुम्हें क्या हो गया? बुराई का शैतान इंसान को अच्छाई की तरफ जाने नहीं देता। मैंने देवी माँ की कसम खाकर उस कसम को तोड़ा, चोरी की, जिसकी ये सजा मुझे मिल गई। चोरी? मगर क्यों? क्योंकि मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता था। तुम्हारे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए चोरी की। तुमने चोरी की? हाँ। मेरे लिए? मुझ बदनसीब। नहीं जोगन, नहीं। बदनसीब तो मैं हूं जो तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा सका। जोगन, मैंने एक सपना देखा था कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। जोगन, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। जोगन, कभी नहीं होगा। मंगल, तुम्हारा सपना पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हाँ मंगल। अबे ओ बेशरम, कुछ तो शर्म कर। तेरा यार वहाँ बच्ची को बचाते बचाते जल गया है, उसकी हालत खराब है और तू यहाँ बैठकर दारू पी रहा है, डूब के मर जा। मेरा यार जल गया, मेरा यार जल गया और मैं यहाँ बैठे सांप पी रहा हूँ। लाने दे मुझ पर। मांग में सिंदूर भर दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं चंदड़ियों का मेहमान हूं। तेरी मांग में सिंदूर भरकर तुझे हमेशा के लिए विधवा कर दूं। नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। ऐसा मत कहो मंगल। मैंने ये दुल्हन का लिबास तुम्हें अपना पति मानकर पहना है। मंगल, तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे तभी तो मैं पूरी दुल्हन बनूंगी। दुनिया क्या कहेगी मंगल? मेरी मांग में सिंदूर भर दो, तुम्हें मेरी कसम। डॉक्टर देखिए, देखिए डॉक्टर साहब। हाँ जोगन, आपकी मांग में सिंदूर। हाँ, मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका बचना नामुमकिन। ये क्या कह रहे हैं? सॉरी है? जग में आया है एक दिन उस पर जाना।
देके मुझे विधवा नहीं कर सकती। मैं तुझे बचाऊंगी मंगल, मैं तुझे बचाऊंगी मंगल, मैं तुझे बचाऊंगी। कब तक इस बेवकूफ कोड़ी को साथ लेके घूमती रहोगी? हाँ आओ मेरे साथ, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। माँ से डरो जगन सेठ। माँ? कौन सी माँ? जगन सेठ किसी माँ बाप से नहीं डरते, समझे? माँ, मेरी रक्षा करो। अबे कुनी। करने पूजा घड़ले माथा, ये पत्थर की मूर्ति तेरी क्या रक्षा करेगी? तेरे
मेरी प्यास बुझा अम्बे जगदम्बे माता। का हार स्मगलरों से पकड़ा गया था। मैं तुझ पर जुल्म करके बहुत दुखी हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। मैं तो पहले ही पता नहीं कौन से पापों की सजा भुगत रही हूं। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। मैं इनको वैष्णो माता के मंदिर में लेके जा रही हूं। क्यों? ये वहां जाकर ठीक हो जाएंगे। तुझे अपनी माँ पर इतना भरोसा है कि ये वहाँ जाकर ठीक हो जाएगा? हाँ। तो फिर आज की रात तुम हमारे यहाँ ठहरो, मैं भी सुबह तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। शायद तुम जैसी भक्तन के साथ जाकर मेरी पत्नी को भी वापस मानस जीवन मिल जाए। आओ बेटी। बेटी बेटी। बापू। बेटी तुम? माजी, ये क्या हुआ माजी? मैं अपने पापों की सजा भुगत रही हूँ। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। ऐसा ना कहो माजी, मेरी किस्मत में जो दुख लिखे हुए हैं वो तो मुझे ही भुगतने हैं। माता पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये मूर्ति किसकी है ठाकुर जी? बेटी ये ठकुरायन है। 20 साल हो गए एक खुशी की झलक दिखाकर खुद पत्थर हो गई। पता नहीं किन पापों की सजा अकेली भुगत रही। ठाकुर जी उसकी महिमा बड़ी अपरंपार है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अच्छा
तुम अंदर चलकर आराम करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता। नहीं नहीं ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं आराम कर लूंगी। यहाँ? जी हाँ। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। जोगन, अगर तू पानी पीने के लिए बाहर गई तो कहीं फिर तुझ पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। ठकुराइन, कई सालों के बाद तेरी बच्ची तेरे महलों में आई है, क्या तू इसकी प्यास नहीं बुझा सकती? इसकी प्यास बुझा ठकुराइन, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा ठकुराइन, इसकी प्यास बुझा ठकुराइन, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा, इसकी प्यास बुझा ठकुराइन, इसकी प्यास बुझा। का घूंट भी नहीं पिलाया था, तू तू मुझे दूध पिला रही है, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? बोल बोल ठाकुराइन, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? बोल। मेरी बच्ची माँ, मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची। कहते हो माँ? माँ की पूजा करने पर भी संतान ना होने के कारण मैं निराश हो गई थी, तो एक रात ठकुराइन, तू अभी सोई नहीं? चिंता ना कर, माँ पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठाकुर जी, मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं, आप मेरी बात मानो, दूसरी शादी करा लो। नहीं ठकुराइन, ऐसा ना कहो, माता के दरबार में देर है अंधेर नहीं, वो जरूर हम पर दया करेगी। सो जा, सो जा। सारी उम्र तेरी भक्ति की, तेरे मंदिरों पे अपना माथा रगड़ा, तुझे जरा दया ना आई? ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने कि तू एक मेरी गोद नहीं भर सकी? मुझे पता लग गया है, तू कुछ नहीं कर सकती, तुझमें
कोई शक्ति नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। मैं तुझे अपने घर नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे अपने घर नहीं रहने दूंगी। चल चल। माँ, पिछले जन्म में तूने बहुत पाप किए हैं। कन्या का जन्म होने के बाद तू पत्थर की हो जाएगी। तेरे पापों की सजा तेरी बच्ची भुगतेगी। फिर वो आकर तुझे छुएगी तो तू मानव जीवन में वापस आ जाएगी। नहीं माँ, नहीं, मेरे पापों की सजा मेरी बच्ची को ना दो, मेरी बच्ची को ना दो। अगर तुझे औलाद चाहिए तो ऐसा ही होगा। अगर इस बात का किसी को पता चला तो तेरी और तेरी बच्ची दोनों की मौत हो जाएगी। माँ, 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 ठकवायन, तू मानस जीवन में आ गई। ठाकुर जी। बेटी? ये कोई गैर नहीं ठाकुर जी, हमारी बेटी है, हमारी अपनी बेटी है। मेरी बेटी? हाँ। ठाकुरायन, मेरी बेटी मानस जीवन में आ गई। अच्छा, पुजारी जी। मंगल, ले मंगल, ले मंगल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ले मंगल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ले मंगल, ले। मंगल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी
पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे।